हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। सो आज हम लोग क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का RS अग्रवाल 13A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला है, उसके बेस्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है। अब आप अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। ठीक है, और मैं इस चैनल पे क्लास टेंथ का पूरा बोर्ड तक तैयारी करवाने लगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13 है, आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। प्रूव करना है 1, तो ठीक है देखते हैं। LHS क्या दिया हुआ है? sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन के पावर 4 थीटा बाई 2 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब क्या करना है, अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन को थीटा में कॉमन दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रन दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 2 में से एक जाएगा तो क्या करना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, यहां देखिए अब आप ले लेंगे एलसीएम, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो, कितना हो गया 1, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। बस देखिए जस्ट खाली बस यहाँ कॉमन लिया और यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व हो गया, बस बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए, तब तक देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, साइन ए बाई से के प्लस टेन ए माइनस 1 एंड कॉस ए बाई एंड कॉस ए अपॉन इतना है, इसको ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन। अगर साइन ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय ये है कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन, इसको क्या प्रूफ करना है? बराबर वन प्रूफ करना है। ठीक है, सब प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्री से इस चैप्टर से खाली 10 मार्क्स ऊपर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट तो आ नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन, इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं इसको क्या है, क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में है आपका एल एच एस साइन ए, सबको पहले क्या करना है, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए का हो जाएगा आपका वन बाई कॉस ए, वन बाई कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस वन, ये क्या प्लस, ये क्या है कॉस ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए का हो जाएगा वन बाई साइन ए, ठीक है प्लस ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, क्या हो जाएगा माइनस वन, यही है। बस कुछ नहीं करना, बस साइन कॉस वन ब्रेक करना है और कुछ नहीं। अब यहां पर देखिए, अब इसमें साइन ए हो जाएगा ऊपर में साइन ही रहेगा, अब कॉस एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, तो कॉस से कॉस कटेगा कितना वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये प्लस यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर यहां का एलसीएम लेंगे साइन ए, तो साइन एलसीएम लेने पर क्या होगा यहां कितना वन प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कॉस ए को ऊपर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, नीचे वही रह जाएगा वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और उसको ऊपर लेते जाते क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इसमें क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब देखिए, अब लेना पड़ेगा इसको साइन कॉस, साइन कॉस यहां पे भी है, इसको ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है प्लस ये कितना बच जाएगा वन बाई, वन बाई ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये बच जाएगा। अच्छा अब इसको देख लेते हैं क्या है, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। अच्छा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना सर, तो यहां पे हो गया आपका वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, इसको एलसीएम लेंगे वन, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, तो इससे इससे क्या हो कैंसिल आउट होगा, क्या बच जाएगा ऊपर में वन प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, और ये बच जाएगा क्या वन प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन प्लस साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस हो गया कैंसिल आउट, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, बच जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, और वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू,
एंड नीचे में कुछ हो सकता है, से यहाँ पे वन प्लस साइन ए माइनस कॉस, ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं इसको वन, जो वन प्लस अगर इसे कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इंटू वन माइनस अगर किया जाए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन ए बी माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे फॉर्मेट क्या हो गया, ये फॉर्मूला चलता कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसको अगर बी मानते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो जाएगा टू, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, अब यहाँ पे देखिए टू है और तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, हो जाएगा वन, ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर जो है वन हो जाएगा माइनस हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। बस अब हो चुका है सॉल्व, अब कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पे आ गया कुछ नहीं करना है, टू अच्छा वन इसको ब्रैकेट में वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। टू से टू कट गया साइन ए कॉस कट गया बराबर वन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ओके ठीक है। 16 देखते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बस कैलकुलेशन सारा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन है, एक बार कीजिएगा खुद से सब क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है भाई, ठीक है, तो एक बार शेयर कीजिए और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैं पूरा कंप्लीट 10th बोर्ड तक की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 है, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन नंबर है या टेन ए प्लस साइन ए, ये क्या प्रूव करना है, टेन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस साइन ए बराबर, ये क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस वन बाई सेक ए माइनस वन, यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन अपने सामने। चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, चलिए एलएचएस करते हैं इसको, ठीक है, चलते हैं एलएचएस, एलएचएस चलते हैं इसको, ये क्या दिया हुआ टैन है, टैन को क्या कर लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस ए लेंगे एलसीएम, यहाँ पे कॉस ए अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए, इसमें हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस ए अगर एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, ये दोनों देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा साइन ए, अगर कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बच जाएगा वन प्लस कॉस ए, और इसमें लेते हैं साइन ए, ये क्या बच जाएगा वन माइनस कॉस ए हो जाएगा। देखिए साइन ए कट गया, हमको क्या प्रूव करना है सेक ए प्लस वन, तो देखिए इसको कुछ नहीं सेक ए टर्म ले लेते हैं, तो वन प्लस कॉस तो नहीं सकते हैं वन बाय सेक ए,
और इसमें क्या लिख सकते हैं 1/sec। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको प्रूव करना sec है, इसलिए फर्स्ट को sec में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एकदम बेसिक पे चल रहा है। ठीक है, अब देखो sec हो गया LCM, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा sec a प्लस वन, ये क्या हो जाएगा sec a माइनस वन बाय sec a। देखिए sec a से कैंसिल आउट हो गया, ये प्रूव करना था आपको sec a प्लस वन बाई sec a माइनस वन आ गया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग टफ चैप्टर है, बस सिंपल सा मैंने क्या किया tan को sin को ब्रेक किया, उसके बाद LCM लिया, कॉमन लिया, बस cos को sec में लेके ना प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उसी तरीके का बन जाएगा 17। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करना है खुद से। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठना है, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं सिनेमा टाइप, वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि बहुत बन रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। ओके, देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 क्वेश्चन है आपका, यह है sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू वन प्लस टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा इंटू tan थीटा, ये प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं क्या है। ठीक है, 9th क्लास में रैशनलाइजेशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको तो रैशनलाइज करते हैं LHS से। ठीक है, दोनों तरह से बन जाएगा, LHS हम लोग चलते हैं LHS से। तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और रैशनलाइज करने में क्या होता है कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से कर देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ऊपर में देखिए तो a माइनस b इंटू माइनस b दिख रहा है, तो कितना रहेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। और नीचे में क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको लिखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा इंटू tan थीटा। और इसका देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, वन होता है, वन हो गया तो वन तो लिखिए जाए, मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, वन प्लस टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा। अब यहां पर देखिए 1 प्लस टू tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे sec को tan में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो sec को tan में कन्वर्ट क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें लिख देना है, तो tan स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। देखिए प्रूव करना है, बस सेम सिंपल हो गया, बस एक स्टेप रैशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला को ब्रेक कर दिए। इजी सर, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको भी देख लेते हैं 21 क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, ट्वेंटी वन
21 क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस सेक थीटा बराबर सेक थीटा, यही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। अब देखिए ऊपर रखते हैं साइड, अब क्या है देखिए, तो चलते हैं LHS से, क्या कह रहा क्वेश्चन LHS, इसका एलसीएम लेंगे कितना रहा, 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा एलसीएम इसका, और यहां पे इसको कीजिए 1 प्लस ही हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा और फॉर्मूला देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सब आइडेंटिटी, ये सब तीन बेसिक फॉर्मूला है बस उसी के बेस पे। अब यहाँ देखिए तो 1 प्लस कितना जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा, सही है। अब क्या करें देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 1 प्लस सेक थीटा। अब देखिए ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, ये प्रूव करना था बस, RHS एंसप्रूव हो गया। चलिए 22 देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए cos q थीटा प्लस sin q थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस, यह है कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है, अच्छा अब यहां पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां लेते चलते हैं इसको एल एच एस, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिख देते हैं देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा ए प्लस, और एक और फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो क्लास 9 का ही है, ठीक है, इस फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। अब इसे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां से देखना पड़ेगा, अगर ये लगाएंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे नीचे ये वाला लगाएंगे फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। इसको देखिए हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, क्योंकि हमको नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ना, माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई बात नहीं है प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या है, नीचे में तो है ही बोला अपना कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये हो गया दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह सेम इसी करना है, इसमें भी एक ही मान समझो फॉर्मूला, खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक खाली सब प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा ना बढ़िया से, कुछ नहीं बस कॉन्सेंट्रेट करना खाली बोर्ड पे कैसे हो रहा है। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर क्या बचे, देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा कितना होता है 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, यहाँ पर देखिए ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं बस, देखिए सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, 1 प्लस 1 2 हो गया आर एच एस, देखिए इजी है कितना इजी है, खाली बस सिंप्लीफिका यहाँ बस सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे खाली बस ये फैक्टराइजेशन लगाना है फॉर्मूला,
बस अपने आप सॉल्व आउट हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन लगा था कितना बड़ा, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। इसको ड्रॉप करते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको आप बैक करके नोट कर सकते हैं, छूट गया हुआ था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, आज के लिए। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल देखा था, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा करना है, यही है। चलिए मात्र 30 क्वेश्चन है, चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन अपने सामने क्या है, 23 में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा प्रूव करना है। अच्छा तो चलते हैं, लेते चलते हैं LHS। देखिए फॉर्मूला 1 माइनस, इसको एक साथ लिखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना है इसको देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉमन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। ये तो बहुत एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, तो कुछ था ही नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, कॉस वाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, बस प्रूव हो गया। चलो 23 एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना टाइम हो रहा, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइम। 24, 25 एक ही टाइप का सवाल है, 26 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, लाइक करना जरूरी है। ऐसे ही हम ऐसे ही इजी सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर करवाऊंगा, आरएस अग्रवाल बुक पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 26, वो सब बन जाना, वो सब क्वेश्चन एक टाइप का, 23, 24, 25 एक टाइप का, ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या प्रूव करना है आपका, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। चलिए देखते हैं इसको, देखिए कैसा बनेगा, ट्राई कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। LHS ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है, इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है, इसको रख लीजिए। अब रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या होता है, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जगह आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और ये जगह प्लस साइन थीटा, और एक जगह आपका 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि नीचे में जो बड़ा टर्म है ना ये अपने आप सिंप्लीफाई हो जाए, देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो सम सेमी है, ये तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके और नीचे में क्या है, अगर इसको ए मानते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर एक साथ ले लेते हैं तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो जाएगा आपका वन प्लस, एक स्टेप और नीचे बता देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको पूरा गेम माने, इसको भी माने। अब यहां पर देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा आप क्या करना है, इसको अब इसको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना, कुछ नहीं करना, इसको वन प्लस कॉस थीटा अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, वन प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना, टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस टू कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें टू साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा एक सेकंड, वन ऊपर में माइनस है तो प्लस, अच्छा तो क्या लाना है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके अच्छा ठीक है, इसमें इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, टू कॉस थीटा, अगर टू कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करने में हमको ये थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल करवाना है तो क्या करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन, वन प्लस कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन, ये दोनों में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा, अच्छा इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका टू साइन थीटा बच जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे स्टेप में देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा लीजिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके अच्छा तो इसको तोड़ देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस बी। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस, दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन लेने के बाद हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉमन लेंगे तो वन माइनस बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हमें प्लस ले लेंगे तो यह माइनस वाला बच जाएगा, भाई ये हो गया आपका टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा से, अब हम देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर में क्या बच गया, वन प्लस वन टू, टू कॉमन लिया तो कितना जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, और ये जाएगा नीचे में टू कॉस थीटा, टू से टू कट गया, ए प्रूव करना था, देखिए तो वन प्लस साइन बाई कॉस बराबर, हाँ हो गया, क्लियर है, थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और थोड़ा देखिए वन प्लस कॉस यहाँ पे साइन स्क्वायर करना पड़ेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर में
ऐसा इसलिए क्योंकि वन प्लस कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, कॉस कॉस दोनों कैंसिल आउट हो गया, वन वन क्या हो गया यहाँ पे टू, और टू कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा वन प्लस साइन थीटा, देखिए टू से टू कट गया, रूट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया था अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।